कोरोना महामारी के बीच अब भारत के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पोल्ट्री फार्म, जलाशयों और प्रवासी पक्षियों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। साथ ही संक्रमण फैलने वाली जगहों पर मांस बेचने पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। दिसंबर 2020 में जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम और चार यूरोपीय देशों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आना शुरू हो चुके हैं और अब ये भारत के कई हिस्सों में फैल चुका है। तो आइए जानते हैं कि आखिर बर्ड फ्लू होता क्या है और ये कैसे फैलता है। बर्ड फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। ये एक पक्षी से दूसरे पक्षियों में फैलता है। बर्ड फ्लू का सबसे जानलेवा स्ट्रेन H5N1 होता है। H5N1 वायरस से संक्रमित पक्षियों की मौत भी हो सकती है। ये वायरस संक्रमित पक्षियों से अन्य जानवरों और इंसानों में भी फैल सकता है और इनमें भी ये वायरस इतना ही खतरनाक है। इंसानों में बर्ड फ्लू का पहला मामला 1997 में हांगकांग में आया था। उस समय इसके प्रकोप की वजह पोल्ट्री फार्म में संक्रमित मुर्गियों को बताया गया था। 1997 में बर्ड फ्लू से संक्रमित लगभग 60% लोगों की मौत हो गई थी। ये बीमारी संक्रमित पक्षी के मल, नाक के स्राव, मुंह की लार या आंखों से निकलने वाली पानी के संपर्क में आने से होती है। बर्ड फ्लू इंसानों में होने वाले आम फ्लू की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैलता। एक इंसान से दूसरे इंसान में तभी फैलता है जब दोनों के बीच बहुत करीबी संपर्क हो, जैसे कि संक्रमित बच्चे की देखभाल करने वाली माँ या घर के किसी अन्य संक्रमित सदस्य का ख्याल रखने वाले लोग। किन पक्षियों में होता है बर्ड फ्लू? बर्ड फ्लू प्रवासी जलीय पक्षियों, खासतौर से जंगली बत्तख से प्राकृतिक रूप से फैलता है। इन जंगली पक्षियों से यह वायरस घरेलू मुर्गियों में फैल जाता है। जंगली पक्षियों से ये बीमारी सुअरों और गधों तक भी फैल जाती है। साल 2011 तक ये बीमारी बांग्लादेश, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम में फैल चुकी थी। आखिर इंसानों में कैसे फैलता है बर्ड फ्लू? बर्ड फ्लू इंसानों में तभी फैलता है जब वो किसी संक्रमित पक्षी के संपर्क में आए हों। ये करीबी संपर्क कई मामलों में अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों में संक्रमित पक्षियों की साफ सफाई में फैल सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में ये पक्षियों के बाजार से फैला था। संक्रमित पक्षियों से दूषित पानी में तैरने, नहाने या मुर्गों और पक्षियों की लड़ाई छुड़वाने वाले लोगों में भी बर्ड फ्लू का संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा संक्रमित जगहों पर जाने वाले कच्चा या अधपका मुर्गा, अंडा खाने वाले लोगों में भी बर्ड फ्लू फैलने का खतरा होता है। बर्ड फ्लू के लक्षण। बर्ड फ्लू होने पर आपको कफ, डायरिया, बुखार, सांस से जुड़ी दिक्कत, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, नाक बहना और बेचैनी जैसी समस्या हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आप बर्ड फ्लू की चपेट में आ चुके हैं तो किसी और के संपर्क में आने से पहले डॉक्टर को जरूर दिखाएं। क्या है इसका इलाज? अलग अलग तरह के बर्ड फ्लू का अलग अलग इलाज तरीकों से किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में एंटीवायरल दवाओं से इसका इलाज किया जाता है। लक्षण दिखने के 48 घंटों के भीतर इसकी दवाई लेनी जरूरी होती है। बर्ड फ्लू से संक्रमित व्यक्ति के अलावा उसके संपर्क में आए घर के अन्य सदस्यों को भी ये दवाएँ ली जाने की सलाह दी जाती है, भले ही उन लोगों में बीमारी के लक्षण ना हो। ऐसे वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।